अच्छा अब हम देखते हैं कि डोमेन नेम तो हमने चूज कर लिया लेकिन होस्टिंग कि क्या है ये क्यों है ये कैसे है और ये कहाँ पे होगी और होस्टिंग से हमें क्या फ़ायदा होगा तो दिस टॉपिक इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग होस्टिंग एंड सींग आपने अपनी वेबसाइट होस्ट किधर करनी है और कौन सी वर्ड की ऐसी होस्टिंग वेबसाइट्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा जिधर हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड और वर्ल्ड प्रेस डॉट ऑर्ग और अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि वर्डपेस डॉट कॉम प्रोवाइड होस्टिंग बाइट सेल्फ लेकिन हमने आपको रिकमेंड किया है और के लिए अगर आपने कोई होस्टिंग चूज करनी है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे बट वाई डू वी रिकमेंड वर्ल्ड ऑर्ग क्विक क्रिक एप इट्स ईजी टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट्स फ्लेक्सीबल फॉर थिंक कस्टमाइजेशन प्लग इंस आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं तो आप वर्ल्ड प्रेस डॉट कॉम पर नहीं कर सकते साथ ही साथ आपके पास इसके लिए एक स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है काफी ज्यादा और आप इससे पैसे बना सकते हैं वर्ल्ड प्रेस डॉट ऑर्ग गिव दर्चुनिटी टू मेक मनी ऑनलाइन इसमें बहुत सारी एस सी ओ फीचर है इटम पावरफुल एनालिटिक्स है इट हैज ऑप्शन फॉर एन ई कॉमर्स स्टोर एंड इट गिव्स यू दबिलिटी टू क्रिएट मेंबरशिप साइट्स सो नाउ दैट यू आर सर्टन कि wordpress.org ही आपने लेना है और wordpress.org ही आपने यूज करना है तो लेट्स सी कि वर्डप्रेस की कौन सी होस्टिंग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली होस्टिंग होती क्या होस्टिंग इज अ स्पेस वेयर योर वेबसाइट इज होस्टेड सो यू कैन थिंक ऑफ इट एज लाइक अ फिजिकल स्पेस एक ऐसा कंपार्टमेंट एक ऐसी जगह जिधर आपकी वेबसाइट होस्ट होती है और इसीलिए हम लफ्स होस्ट यहाँ पे बाहर बार बार यूज कर रहे हैं सो so, ये एक क्लाउड uh, स्पेस है ये एक स्टोरेज स्पेस है जिधर आपकी वेबसाइट इंस्टॉल्ड है और इसको हम थोड़ा सा आपको डिटेल में और समझाएंगे कि होस्टिंग का और क्या मतलब होता है बट जस्ट टू गिव यू अ क्विक एग्जाम्पल कि अगर आप अपने फोन पे कुछ फाइल्स सेव करते हैं विच कुड बी फोटोज विच कुड बी वीडियोज तो दीज फाइल्स आर होस्टेड ऑन योर फोन इसी तरह अगर आपके लैपटॉप पे कुछ फाइल्स हैं कुछ फोटोज हैं कुछ वीडियोज हैं तो दीज फाइल्स आर होस्टेड ऑन योर लैपटॉप अब इश्यू थोड़ा ये है कि आपके लैपटॉप पे जो फाइल्स होस्टेड हैं वो कोई और नहीं एक्सेस कर सकता बट इंटरनेट वर्क इन अ मैजिकल वे सो इंटरनेट पर जो होस्ट हैं दे सेव देर फाइल्स इन द क्लाउड एनी वन इन द वर्ल्ड कैन एक्सेस दम इसकी एक एनालिजी uh, लेते हैं कि डोमेन वर्सेस होस्टिंग। थिंक ऑफ इट लाइक अ हाउस कि आपका जो हाउस है कि आपका जो घर है, द होस्टिंग उस पर अगर कोई फर्नीचर है दोज आर द फाइल्स। एंड उस घर का जो एड्रेस है दैट इज योर डोमेन नेम सो अगर आपकी फाइल्स किसी ने पब्लिकली एक्सेस करनी हो तो वह आपके डोमेन नेम जो आपको पिछले लेसन में हमने बताया था उस पे जाएगा और उससे वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा सो डोमेन एंड होस्टिंग गो हैंड इन हैंड इससे आपके जेन में क्वेश्चन शायद आए और आप हमसे शायद वो पूछना चाहें कि इज डोमेन एंड होस्टिंग द सेम थिंग सो द सिंपल एंड क्लियर आंसर टू दैट इज दैट दे आर नॉट द सेम थिंग बट दे वर्क हैंड इन हैंड द डोमेन नेम ज द नेम ऑफ योर वेबसाइट जिस तरह गूगल डॉट कॉम यूट्यूब डॉट कॉम डी जी स्किल्स डॉट पी के और होस्टिंग वो जगह है जिधर से आपकी फाइल्स एक्सेस होती हैं तो ये जो आपको सारा कॉन्टेंट डीजी स्किल्स का अवेलेबल है या आप एक्सेस कर रहे हैं दिस इज होस्टेड ऑन अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड यूट्यूब सो डोमेन एंड होस्टिंग गो हैंड इन हैंड बट दे आर नॉट द सेम थिंग कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल चूजिंग अ होस्टिंग सर्विस उसके बारे में हम आपको बताएंगे ताकि आपको आइडिया हो कि अगर आपने होस्टिंग लेनी है बेशक फ्री में या पेड तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जिससे आप ये डिसाइड करेंगे नंबर वन कॉस्टिंग लेट स्टार्ट विद कॉस्टिंग कॉस्टिंग क्यों जरूरी है क्योंकि एवरी वन हैज लिमिटेड बजट कॉस्टिंग से आप देखते हैं कि आपकी होस्टिंग आपको किस तरह की सर्विसेज और फीचर्स प्रोवाइड करी है और आप उसके बारे में कितना फ्लेक्सिबल है अगर आपकी होस्टिंग आपको बहुत ज्यादा फीचर्स दे रही है देन ऑब्वियसली इट विल बी एक्सपेंसिव तो ये एक क्वेश्चन है जिसके बारे में आपने सोचना है आपने देखना है कि कॉस्टिंग आप कितनी अफोर्ड कर सकते हैं नंबर टू इज रिव्यूज सो रिव्यूज आप ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं किसी होस्टिंग के बारे में और देख सकते हैं कि वेदर दैट्स होस्टिंग राइट होस्टिंग फॉर यू ये रिव्यूज बाकी लोगों ने आपके लिए ऑनलाइन छोड़े हुए बहुत जरूरी है स्टोरेज हेल्प यू नो कि आपकी होस्टिंग में कितनी फाइल्स आप एक्चुअली सेव कर सकते हैं और uh, क्या क्या अपलोड कर सकते हैं स्टोरेज so पार्ट इसके अलावा बैंडविथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितनी ट्रैफिक आपकी होस्टिंग सर्विस एक्चुअली हैंडल कर सकती है रिस्पॉन्स टाइम साथ ही साथ उस होस्टिंग का अप टाइम अप टाइम इज उस होस्टिंग का एक uh, बर्दाश्त का लेवल कि वो होस्टिंग अपने आप को कितनी देर ऑनलाइन रख सकती है मोस्ट ऑफ द गुड होस्टिंग्स है इसके अलावा एक पॉइंट जो मुझे बहुत पसंद है कि उस होस्टिंग में वन क्लिक वर्ड इंस्टॉल की ऑप्शन है कि नहीं है वन क्लिक वर्ड इंस्टॉल विल गिव यू दुनिटी टू इंस्टॉल वर्ड इन नो टाइम और साथ साथ आपने ये देखना है कि वो आपको फ्री एस एस एल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि नहीं ये फ्री सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जिसके बारे में आप ऑनलाइन जाके और भी जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन और कुछ होस्टिंग सर्विसेज आपको साथ में एक फ्री डोमेन नेम भी प्रोवाइड करेंगे so, कुछ क्वेश्चंस जो आपके जहन में हो डू आई नीड होस्टिंग टू स्टार्ट अ वेबसाइट? डेफिनेटली। अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो आप वेबसाइट नहीं स्टार्ट कर सकते और होस्टिंग आपकी इज ऑलवेज स्टोर्ड ऑन अ क्लाउड क्लाउड इज बेसिकली एन ऑनलाइन सर्विस जिसपे आपकी सारी फाइल्स सेव्ड है इसी तरह अगर आप में से कोई टूल यूज करता हो जिस तरह गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स या गूगल तो so आपकी सारी फाइल्स इंटरनेट पे सेव्ड है और ये इंटरनेट इज कॉल्ड द क्लाउड यू नीड टू हैव दिस क्लाउड होस्टिंग सर्विस टू होस्ट अ वेबसाइट एक और क्वेश्चन शायद आपके जेन में आए कैन आई गेट फ्री होस्टिंग फॉर वर्ड प्रेस द शॉर्ट आंसर टू दैट इज अस आप ले सकते हैं लेकिन याद रखिएगा फ्री लंच इज नॉट गुड फॉर एवरी तो आपको फ्री होस्टिंग तो मिल जाएगी लेकिन उसकी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी जो शायद आप जिससे अग्री ना करें या उसमें कुछ चीजें होंगी जो आपको शायद अच्छी ना लगे और उसकी कुछ लिमिटेशन होंगी सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चूज अ होस्टिंग विच इज अफोर्डेबल बट ऑल्सो परफॉर्मेंस वाइज वेरी गुड एक और क्वेश्चन शायद आपसे पूछें कि हाउ मच डज अ होस्टिंग कॉस्ट इट कैन कॉस्ट एनी वे फ्रॉम दस हजार रुपए एक साल के टू एज मच एज एक लाख रुपए एंड आई वेरी फ्लेक्सीबल फॉर यू गाइज क्योंकि होस्टिंग की डिफरेंट कॉस्ट और डिफरेंट प्राइस होती है। आपने जा के देखने हैं आपने जाके देखना है आपके लिए कौन सी होस्टिंग सही है और कितने बजट में आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं और स्टार्टिंग में तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ्री होस्टिंग से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करें Or invest West Korean to get a better hosting. So a core question up is Ze Miyagha, how do I install WordPress on my hosting site? And we'll get to that later in our future lessons. A core question: Can I switch hosting later? Yes, you can. So, we will teach you how to use different plugins to transfer your hosting website or to backup your hosting website. तो so, कौन सी वो होस्टिंग वेबसाइट्स है जो हम रेकमेंड करते हैं स्टार्टिंग विद bluehost.com वन ऑफ माय फेवरेट होस्टिंग वेबसाइट्स इट्स वेरी कंपैटिबल इट्स वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट्स वेरी चीप hostgator.com एक और वेबसाइट विच कैन हेल्प यू you होस्ट योर वेबसाइट siteground.com dreamhost.com और godaddy.com ये कुछ ऑप्शंस uh, हैं जिसको यूज करते हुए आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं लेकिन याद रखिएगा ऑल ऑफ दीज आर शेयर्ड होस्टिंग वेबसाइट इसी तरह आप अपना प्राइवेट होस्टिंग वेबसाइट भी ले सकते हैं जिसके बारे में अगेन वी वुड इंकरेज यू टू गो ऑनलाइन एंड रीड अप मोर ऑन इट बट कीप इन माइंड योर वेबसाइट इज होस्टेड ऑन अ होस्टिंग एंड दैट्स क्रूशल टू क्रिएट अ बेस्ट वेबसाइट